सी फजांस रूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो बेसिकली फजांस रूल के बारे में मैं ज़रा सा इन्फॉर्मेशन और लिखूंगी कि फजांस रूल हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर कोवेलेंट नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इट मींस कोई आयनिक कंपाउंड होते हैं, कोई क्या आयनिक कंपाउंड्स अगर एक जैसे काफ़ी सारे दिए हैं तो वो हमें ये बता सकते हैं कि उनमें से कोई कम आयनिक है, कोई ज़्यादा आयनिक है, या ये कह सकते हैं हम कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट नेचर शो कर रहा है। तो येस, इट कैन बी पॉसिबल। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ होता है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये टॉपिक ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है चैप्टर के ऊपर, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह एक्स वाई जेड जो भी हम इसमें पढ़ते हैं वो सब कुछ हम इसी के रिस्पेक्टफुली पढ़ते हैं। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टर्म। क्या है कोवेलेंट बॉन्ड? सो हम बोल सकते हैं म्यूचुअल, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं लिखूँगी, डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग समझना है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? इन बिटवीन नॉन मेटल्स ओनली। सो सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच में जो कोई बॉन्ड जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से, वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल्स, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन, दे आर गोइंग टू शेयर, सो इट विल बिकम H2। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ओबे कराते हैं, या ओबे नहीं, मैं एक वर्ड ही लिखती हूँ, द वर्ड इज़ ऑक्टेट रूल। अब आपको लगेगा मैम ऑक्टेट रूल तो ये फॉलो ही नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं कर रहा है, हर कोई ऑक्टेट रूल का मतलब ये नहीं है। ऑक्टेट रूल को सही वर्ड हम बोलेंगे जिस भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए वो ऑक्टेट रूल है, चाहे उसमें डबलेट हो चाहे ऑक्टेट हो, नो इशू। सो ऑक्टेट रूल में हम करते क्या है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, जो अपनी वैलेंस शेल दोनों में से किसी भी तरीके से कंप्लीट करे वो ऑक्टेट रूल के अंदर आ जाता है। इससे ज़्यादा मीनिंग ईजी हमें मिलेगा नहीं। अब ज़रा देखते हैं इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो आपके पास आता है होमोकोवेलेंट। होमोकोवेलेंट कौन होंगे? सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट कंबाइन। अब सेम एलिमेंट में बहुत सारे एग्जांपल है बच्चा, H2 जो कि मैंने यहाँ लिखा ही है, O2, N2, Cl2 एंड सो ऑन। चलिए अभी मैं यहाँ पर वापस से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे तो आपको दिखाई दिया सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, देखा? दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, दिख रहे हैं? चलिए मैं एग्जांपल उठा रही हूँ, O2, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अब हमें? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ बच्चा तो क्या बनेगा? बिल्कुल अब हमें ये जानना पड़ेगा, इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड। तो इट इज़ लाइक ओ डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ एक नई टर्म और आ रही है, क्या आ रही है? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्हें तो हमने बॉन्ड के थ्रू दिखा दिया सी, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं यहीं पर बोलूँगी अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किस नाम से जाने जाते हैं? लोन पेयर। तो आपके पास दिखाई दे रहे होंगे कितने लोन पेयर हैं, बिल्कुल। चलिए मेरे पास दूसरा एग्जांपल है N2, तो एक नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 एंड दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5,
तो क्या बना, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए हमें क्या मिला, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? एंड दिस फिर से दिख गया आपको लोन पेयर ऑल्सो। तो इसी तरीके से, ये तो इजी था, इसी तरीके से आपके पास आएंगे हेट्रोकोवेलेंट। हेट्रोकोवेलेंट बच्चों क्या होगा, फॉर श्योर डिफरेंट एलिमेंट, जैसे वहां सेम यहां पर डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट इज लाइक आपके पास है H, डिफरेंट है किससे, Cl से, यस। तो इन्होंने शेयर किया, नाउ दिस इज बिकम HCl, और क्लोरीन के पास थे अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल, जस्ट सेकेंड, H2O, चलिए हम वाटर को देखते हैं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन है, एक और शेयर किया, फिर ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया, तो आपको क्या दिख रहा है, HO। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो सिंगल बॉन्ड बने, टू बॉन्ड फॉर्म हुए, और टू लोन पेयर भी दिखाई दे रही होगी, यस। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पूरी ऑर्गेनिक कोवेलेंट बॉन्ड पर डिपेंड है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही नज़र आने वाले हैं आपको। बच्चा अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, मगर हर कोई ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है फजांस रूल के बाद, दैट इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी, कौन है जो ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो नंबर वन, ऑक्टेट रूल क्या नहीं बताता, मैं ये कहूँ तो ऑक्टेट रूल डज नॉट या डू नॉट एक्सप्लेन शेप, हमें नहीं पता किसकी क्या शेप है, मैं लिख भी नहीं सकती यहाँ पर एज पर द ऑक्टेट, यस शेप नहीं बताता। सेकेंड, कुड नॉट एक्सप्लेन वॉट स्टेबिलिटी, कि ये कंपाउंड स्टेबल हैं भी या नहीं हमें नहीं पता। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बन रहे हैं और वो हैं स्टेबल और नॉट, ये तो हमें नहीं पता, बट यस कंपाउंड है, कुछ हमें पता है उस कंपाउंड के बारे में, मगर वो कंप्लीट नहीं है, तो मैं बोलूँगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो कौन है वो, BH3, सी बोरॉन, तीन इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया, मगर बोरॉन के पास सिर्फ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको दिखाई दे रहे होंगे, 6, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू कम्प्लीट। तो जब वो कम्प्लीट नहीं हुआ तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिमिलरली AlCl3, सिमिलरली BeH2, दे ऑल आर बिलोंग्स टू लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। नाउ द फोर्थ वन इज, इसी में ऑड इलेक्ट्रॉन, यस, कभी कभार कंपाउंड बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, मगर उनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए और वो क्या रह गए, आप बोलोगे मैम डेफिशिएंट तो ये भी था, उन्हें वहीं लिख देना चाहिए था, बट वहाँ पर क्या थे, इवन नंबर में थे, यहाँ पर क्या आने वाला है, ऑड नंबर में, ये है हमारा डिफरेंस। सो एग्जांपल है आपके पास NO2, बेस्ट एग्जांपल, एक नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, साफ दिख रहा है अगर मैं 5 लिख रही हूँ तो, आई एम जस्ट टेकिंग 2 ऑक्सीजन, तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया, सिमिलर वे में दूसरे ने भी अपना
ऑक्टेट पूरा किया। अब जैसे ही सबने अपना ऑक्टेट पूरा किया तो आप देखिए नाइट्रोजन के पास क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब सीधा सीधा ऑड इलेक्ट्रॉन, तो इट इज लिमिटेशन। ऐसे ही आपके पास NO आएगा, ऐसे ही आपके पास ClO3 एटसेट्रा आते ही जाएंगे, और जितने भी हैं अब आप बना भी सकते हैं। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन हो गया होगा। और भी लिमिटेशन, यस एक लिमिटेशन दो लिमिटेशन हम देखना चाहते हैं कि कितनी बची है। सो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। फोर्थ हो गया, फिफ्थ आती है बच्चा, फिफ्थ आती है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब एक्सपेंडेड क्या है, 8 से ज़्यादा पहुंच गए। सीधा आपके मन में आएगा मैम ऑड वाले भी तो 8 से ज़्यादा हो गए थे, तो बच्चा एक थे जो कम थे वो इवन में, एक थे जो ज़्यादा हो गए थे ऑड में। अब हम ले रहे हैं जो ज़्यादा हो जाएंगे इवन में, कम और ज़्यादा, तो मैं ये कह सकती हूँ एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए मोर देन 8। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या थे, इलेक्ट्रॉन हो गए लेस देन 8, और यहाँ तो हमने ऑड लिखा ही है, ये तरीका भी है आपके लिए। चलिए तो एग्जांपल PCl5 फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार क्लोरीन, देन 5 क्लोरीन। बेटा अभी एक क्वेश्चन आया इसी पे बेस में बताऊंगी, हम पहले फॉस्फोरस को देख रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हुए फॉस्फोरस पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया ना एक्सपेंडेड। चलिए अभी क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, खुद ही गिन लीजिए 6 5 जो 30, तो 30 इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, अनबॉन्डेड। ये क्वेश्चन है कि इन PCl5 हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनबॉन्डेड लेफ्ट। फॉस्फोरस पे तो कोई नहीं बचा, मगर 5 खुद देख लीजिए कि 5 पेयर बची है, तो हम बोल सकते हैं पेयर के लिए, चलो कितने, सॉरी 5 पेयर तो नहीं, 1 पेयर 2 पेयर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तभी तो हुआ होगा। क्लियर, बिल्कुल। एग्जांपल्स बहुत है मेरे पास, H2SO4 HNO3, जी बिल्कुल जो मैं अब लिखने जा रही हूँ ज़िनन के, XeO3 XeF4 XeO2F2, यस XeF6 एंड सो ऑन, अगर कुछ बचा रह गया है तो दे ऑल आर गोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए दीज आर दी लिमिटेशन, नाउ लिमिटेशन इज फिनिश, तो अब क्या बचता है, जब लिमिटेशन आई है तो डेफिनेटली क्या आएगा, इनको सही करने के लिए भी तो कोई आएगा, तो वो हम यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है वो सुन लेते हैं, दैट इज गैस फॉर शो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड, और जैसा कि मैंने लिखते वक्त ये बात बता दी थी कि ये क्या है, ये अनदर फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। तो अनदर फॉर्म में क्या है, चलिए यहाँ पर होता है पार्शियल डोनर एंड कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोवलेंट वाली बात तो यहाँ पूरी तरीके से आ गई। अब पार्शियल डोनर यानी जहाँ पर
एलिमेंट एक्सपेंडेड फॉर्म में पहुंच रहे होंगे, वो क्या कोशिश करेंगे, अब हर हालत में कोशिश करेंगे कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को स्टेबल दिखाएं। तो ज़रा एग्जांपल देखते हैं, चलो यहाँ दिखाती हूँ एग्जांपल। HNO3 को उठाती हूँ मैं, एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन ने 8 पूरे किए, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने 2 पूरे किए, इस वाले ऑक्सीजन ने 8 पूरे किए। तो ये नाइट्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग की जब बात आएगी, ये तो यहीं ख़त्म हो गया, उससे तो ले ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो जब ले नहीं रहा मगर उसे तो चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, पार्शल डोनर। तो ये पार्शल डोनर है। सो अभी आपके पास क्या बना, HON, डबल बॉन्ड O तो बन गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, डेटिव, यानी इसने इसको दिया है, समझ में आया, उसने उससे लिया नहीं है, इसने नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दिया है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया आप लोगों को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के साथ। सी ओजोन, यस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास 3, तीनों ऑक्सीजन के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 6-6-6। हम चाहें तो, हम क्या चाहें, हमें पता है अगर हम 2 को कंबाइन करेंगे तो ये कंप्लीट हो गया, दिस इज कंप्लीट, सी 8 इलेक्ट्रॉन हेयर, 8 इलेक्ट्रॉन हेयर, कंप्लीट हो गया। व्हाट अबाउट दिस, ये तो यहाँ अपनी गाड़ी रोक देगा, इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये जो इससे मांग रहा है पार्शल, अब हुआ ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, O डबल बॉन्ड O, एंड ये दिखा रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, समझ में आया होगा होप, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस पर ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ हमें ये आता है कभी कभार, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन, यस एग्जैक्टली, कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो तीनों टाइप की बॉन्डिंग शो करते हैं, तो बस अब हम वही देख लेते हैं जल्दी से। कंपाउंड विच कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ बॉन्ड शो करने की टेंडेंसी हो, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल NaOH। जनरली हमें लगता है कि आयनिक हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं, इट इज़ इट कंटेन आयोनिक, कैसे पहचानेंगे, चलिए दिस इज मेटल जी, दिस इज नॉन मेटल और हाइड्रोजन फिर से नॉन मेटल। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक, इन दोनों के बीच में कौन सा बनना चाहिए, कोवेलेंट, तो ऑटोमेटिकली हो गया नहीं 2 बॉन्ड। चलो देखें कैसे, सोडियम के पास था 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन के पास हो गए 2, ये इसने इसको ट्रांसफ़र किए, तो सोडियम ने कैरी कर लिया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन 1 2, इधर बॉन्ड, इधर 1, इधर 2, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इसको हमने नेगेटिव चार्ज से दिखा दिया। सी ऐसे ही मैं लेकर आऊँगी कैल्शियम सल्फेट, कौन सा बॉन्ड देखते हैं कौन कौन से आने वाले हैं, तो कैल्शियम कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, वन मोर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, वन मोर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 8 करे पूरे, कर लिए, इसने भी करे 8 पूरे, इसके पास हुए 7, इसके पास भी हुए 7, अब आप देख सकते हैं। तो ये कैल्शियम ने 1 दिया इसको, कैल्शियम ने 1 दिया इसको, देख सकते हैं। तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर सिर्फ इन दोनों के साथ ही, सॉरी ये मुझे नहीं लेना था, ऐसे सल्फर ने इन दोनों अपनों के साथ ही, मतलब अपने तो इलेक्ट्रॉन हैं और एक एक लेफ्ट और राइट वाले ऑक्सीजन से लिया,
तो यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम पे तो आ गया प्लस टू, सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। ध्यान से देखिएगा सल्फर पूरा हो चुका है, बचे क्या वो दोनों ऑक्सीजन, तो वहाँ क्या बन रहा है, यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ क्या बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्यों बन रहा है वो अब आपके सामने है, क्यों, क्योंकि वो तो पूरा हो चुका था, तो जब वो अपने बॉन्ड पूरे कर चुका है तो वो क्यों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, कॉपी कैरी करेगा, अपना तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हुई, आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, तीनों बॉन्डिंग आपको देखने को मिली। ऐसे ही एग्जांपल और हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Na2SO4 एटसेट्राज। तो यहाँ पर आपके ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हुआ कि किसमें कौन टाइप ऑफ बॉन्डिंग मिलेगी। चलिए एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम वाइंड अप कर सकते हैं। अब आप लोगों को समझ तो आ ही रहा होगा हमारे पास क्या क्या कैटेगरी आ चुकी हैं। अब एक टर्म आती है बहुत ही इजी, कुछ लोगों को लगता है अरे ये तो अजीब सी टर्म है या जो भी एक्स वाई जेड, टर्म क्या है, अभी आप लोगों ने देखा मैंने बोला कोई आयोनिक कंपाउंड होंगे उनके अंदर पार्शियल कोवेलेंट नेचर था, तो अभी मेरे पास है कोवेलेंट कंपाउंड कैन शो आयोनिक नेचर, यस। जब आयनिक शो कर रहे थे कोवेलेंट नेचर, तो कोवेलेंट नेचर भी तो कर सकते हैं ना, आयनिक नेचर शो, यस। तो इसके लिए हमें टॉपिक क्या पढ़ना पड़ता है, द टॉपिक इज डायपोल मोमेंट, रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, तो म्यू इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इज क्यू डिस्टेंस इज डी, ऐसे आप लिख सकते हैं, चार्ज इज क्यू या इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्यू हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन इलेक्ट्रॉन, एन फॉर वन मोल, ये भी एक फॉर्मूला होता है। चलिए अब कैसे ढूंढेंगे, हमें वैल्यूज़ नहीं गिवन है, देखिए नीट में नहीं देते, जेई में वैल्यूज़ देकर वो पूछ भी सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, तो हमें देखना है कौन है जो डायपोल मोमेंट शो कर रहे हैं और कौन नहीं, तो हमें जानना है छोटी सी चीज़, म्यू फॉर पोलर कंपाउंड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जबकि म्यू ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड इज ज़ीरो। तो आपको क्या नज़र आया बच्चा, पहचानना क्या है, कौन है पोलर कौन है नॉन पोलर, जैसे ही हमें पोलर और नॉन पोलर मिल जाते हैं हमारा आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। तो चलिए क्यों ना हम पोलर और नॉन पोलर को ढूंढ लेते हैं, हम बहुत ही बेसिक तरीके से पोलर नॉन पोलर को ढूंढेंगे। तो पोलर कंपाउंड कौन है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन, जब दो अलग अलग नेगेटिव करेक्टर जिनका होता है और वो आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो नेचर दिखेगा वहाँ आपको साफ नज़र आएगा कहीं ना कहीं पोलर नेचर है, जैसे HCl, सी इस पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर तो पार्शियल नेगेटिव, ऐसे ही HI, क्लियर है, ये तो सब अलग अलग वाले, इन जनरल A और B है तो A कैरी पॉजिटिव और B कैरी नेगेटिव। इसके अलावा दोज कौन, सेंटर एलिमेंट, सेंटर एलिमेंट कंटेन
लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर बची रह जाएगी वो भी क्या है, पोलर। या मैं यहां पर भी ये कह सकती थी ना बच्चा, ये भी तो लोन पेयर था, लोन पेयर की वजह से ही तो नेगेटिव लाए। यस, तो एग्जांपल है NH3, देखिए एक दो, एक एच चला गया, एक एच इधर आ गया, एक एच बच गया लोन पेयर, तो ये डेल्टा नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। तो कौन हुआ, पोलर। ऐसे ही सिमिलरली वाटर पोलर, ROH पोलर, RNH2 पोलर, H2S पोलर, PCl3 पोलर, दे ऑल आर पोलर। नॉट इवन दिस CHCl3 पोलर, क्योंकि लोन पेयर यहाँ ज़्यादा है, CH3Cl पोलर, CH2Cl2 पोलर, ये सब है पोलर। तो हम देखते हैं नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में क्या बोला हमने, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नेगेटिव एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो वो कौन हो जाएंगे, पोलर। लाइक H2O डबल बॉन्ड O, आप बोलोगे मैम यहाँ तो लोन पेयर बची, बट दोनों पे इक्वल है, यस, N2 एंड सो ऑन। या फिर नो लोन पेयर लेफ्ट लाइक CH4 CCl4, आप बोलोगे मैम इस पे रहती है मगर इक्वल रहती है, इक्वल वर्ड पे फोकस करिएगा। यस, तो हमने यहाँ पर एक क्लियर वर्ड में बोल दिया कि पोलर और नॉन पोलर। चलो एक और BH3, ये आप याद रख सकते हैं कि पोलर का और नॉन पोलर का, पोलर का ज़ीरो नहीं होगा, इसका ज़ीरो होगा। अब ज़रा एक बात हम देख लेते हैं कि कैसे ज़ीरो होगा और कैसे नहीं, चलिए जब तक ये नोट डाउन करिए।